नमस्ते किसान, मैं राजा किसान, किसान पाठशाला के साथ। और आज हम हैं महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में। आइए, हम आए हैं विजिट पे, जानते हैं कैसा क्या है। बहुत ही बढ़िया, प्लॉट बना है। हमारे साथ भी किसान की टीम आई है पूरी। संदीप जी है साथ में हमारे, उनसे जानते हैं कुछ। जिया जी, राम राम। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ पर हैं हम अब? अकलूज माल तालुका मानसर डिस्ट्रिक्ट सोलापुर पे है। यहाँ अकलूज के बाराबाई गट मनु जो प्रसिद्ध है, उसी एरिया में डॉक्टर थिवरकर, उसने ये प्लांट लगाया है। इधर जो भैया ने बताया ग्राफ, बलराम भैया ने, उसी हिसाब से ये लगाया है। और खर्चा भी उनका आधा खर्चा आ गया है। आधा खर्चा हिसाब से ये देखिए आप, तो ये लंगूर ऐसा निकल रहा है। ये क्या ग्राफ लिया है यहाँ पर? ये ग्राफ लिया है 5x9 पे। प्लांट से प्लांट पाँच। हाँ। और पौधे से पौधा 9 फीट। पौधे से नहीं, लाइन से लाइन 5 फीट है। लाइन से लाइन 5 5। हाँ। और पौधे से पौधा 9 9। वैसे जिक जिक लगाया हुआ है, नाली पाली। हाँ, बहुत बढ़िया। कचरा मल्चिंग भी कर रहे हैं। कल्चा, हाँ, नाली पाली रखा है। हाँ, कचरा मल्चिंग भी चालू है अभी। कम खर्चे में हमारी गाइडलाइन को पूरा फॉलो किया हुआ है। बलराम भैया की जो गाइडलाइन है उनको पूरा फॉलो किया है, उनके हिसाब से ये चल रहा है। 70-30 बोलते हैं अपन इसको। 70-30 हिसाब से चल रहा है। 70% पौधे के लिए जगह है, 30% फार्मर के लिए जगह। 5x9 में सुपर क्वालिटी। क्या जी, कुछ बताइए। सभी फार्मर्स को कहना चाहता हूँ, जो एक दिमाग में जो डर है कि 5x7, 5x8, 5x9 हम कैसे लगाएं, आइए। जो एड्रेस दिया है, ये डॉक्टर साहब का खेत है। आप क्वालिटी देखिए यहाँ पर। इधर फल की क्वालिटी दिखाइए। फल की भी दिखा रहा हूँ, पत्ते भी देख लीजिए आप। पूरा एकदम ग्रीननेस है, पूरे पत्ते हैं। माल कटते वक्त माल कटिंग पर है और पूरे पत्ते देखोगे आप, एक भी पत्ता डैमेज नहीं है। पूरा साफ सुथरा प्लॉट है। जय जी, बताइए कुछ। ये लाइन की दूरी 5 फीट। ये पौधे की दूरी रहे 9 फीट। बीच में कचरा मल्चिंग, इसके ठीक सामने आया है पौधा हमारा जिगजैग सुपर। यहाँ पर कचरा मल्चिंग भी देखेंगे आप, पूरा एकदम बायोमास कार्बन, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अगर फार्मिंग आप करोगे तो एवरेज भी काफ़ी अच्छा आएगा। और कोई भी बीमारी, अगर आप, मैं पत्तों की संख्या बताऊँ यहाँ पर तो 10-10, 12-12 पत्ते हर पेड़ पर मिलेंगे आपको। एकदम पेड़ एकदम, अभी 3-4 बजे का समय हो रहा है, प्लॉट के अंदर ठंडक है और धूप भी बहुत कम। तो ये जो डर है हमारे में कि अगर हम बड़ा ग्राफ करेंगे तो धूप अंदर आएगी, बाहर जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इतनी गर्मी गई है जिसके बावजूद भी ना कोई टेका लगाया है, ना ही कोई बंधन किया है पेड़ का, फिर भी ना भी एक भी पेड़ आपको गिरा हुआ नहीं मिलेगा यहाँ पर कि कुछ गिरा है, गिर पड़ हुई है। पूरा एकदम सुपीरियर, बड़े ग्राफ के ये फायदे रहते हैं। 70-30 फार्मिंग आप करोगे, 5x8, 5x9 अगर करते हो तो इस प्रकार की क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हो। बहुत ही सुपर प्लाट है। आप फल की क्वालिटी देखिए, ज़्यादा हाइट बढ़ती नहीं है। आप प्लांट की हाइट देखोगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, इस कारण से हवा
से बचता है, धूप पूरी आती है अंदर तक, पौधा मैच्योरिटी से बढ़ता है। सुपर। इस प्रकार की खेती अगर आप करेंगे, इस प्रकार का सुपर क्वालिटी आप एक्सपोर्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। बड़े ग्राफ का ये फ़ायदा रहता है जो बलराम जी बताते हैं, सही ग्राफ केले का 5/9 रिज़ल्ट आपके सामने। ओके थैंक यू, मैं हूँ संदीप किसान, मेरा नंबर है 7648838222, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहिए किसान पाठशाला और बी किसान से। थैंक यू।